हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने एक मधुबनी पेंटिंग बनाया है जिसमें मैंने कमल दाह बनाया है। आप देख सकते हैं कि ये पेंटिंग मैंने इसे कहते हैं कमल दाह। ठीक है, कमल दाह क्या होता है? हमारे मैथिली रीति रिवाज में जब सिंदूर दान होता है, जब लड़का सिंदूर दान करता है, मतलब लड़की को जब सिंदूर लगाता है, तो उस पुड़िया में जो होता है, जिसमें सिंदूर होता है, उसमें इस तरह की चित्र बनी हुई होती है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कमलदा। तो जितने भी मधुबनी पेंटिंग हैं वो सब मिथिला आर्ट से या मिथिला के कल्चर से कुछ ना कुछ संबंध रखते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने वही कमलदा बनाया है। बीच में कुछ फ्लावर है, ठीक है। उसके बाद चारों तरफ जो है वो मैंने दो जोड़े मछलियाँ हैं, उन दोनों का जोड़ा से मैंने चारों कोना में मछली बनाया है। और ये पेंटिंग देखने से तो बहुत ही सरल लगती है, सरल है भी, लेकिन इसमें डिटेलिंग बहुत करनी पड़ती है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और आपको बहुत ही ध्यान से इसे डिटेलिंग करना पड़ता है, लेकिन ये देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। और इसे आप जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं बना सकते। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने ये सर्कल बनाया, जो कि आप कंपास से भी बना सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि मेरा जो सर्कल है वो काफ़ी बड़ा है, तो कंपास से इतना बड़ा सर्कल बनाना अब पॉसिबल है नहीं। तो मैंने सबसे पहले इस सर्कल को प्लेट से बनाया। उसके बाद मेरे पास कंपास था नहीं और प्लेट से बहुत ही गड़बड़ हो रही थी बनाने में क्योंकि क्या होता है ना, कंपास से हम वो अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ पॉइंट से लेते हैं, रेडियस के थ्रू लेते हैं, लेकिन यहाँ पे रेडियस जैसा कुछ था ही नहीं, तो मेरा जो सर्कल था वो गड़बड़ बन रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो इसे खुद फ्री हैंड से बनाया जाए, तो मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि बार बार ये जो लाइंस होते हैं सर्कल के वो टेढ़े हो जा रहे थे। तो फिर मैंने इसे अपने हाथों से बनाया फ्री हैंड। उसके बाद मैंने फिर ये सर्कल भी उसी तरीके से बनाया, फिर ये सर्कल भी उसी तरीके से बनाया। उसके बाद मैंने सारे डिज़ाइंस बनाए, ठीक है। उसके बाद हमारे मधुबनी आर्ट में ये जो बॉर्डर होता है इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है, जिससे कि और भी खूबसूरत लगता है। तो बॉर्डर में भी थोड़ा मुझे छोड़ के बनाना चाहिए था पेपर, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ जगह नहीं बचेगा, इसलिए मैंने यहीं से बनाना शुरू कर दिया। और आप देख सकते हैं मैंने दो जोड़ी मछलियाँ भी बनाई, दो जोड़ी मछलियाँ भी हैं जो आपस में अटैच है, जो इस पेंटिंग की शोभा और भी ज़्यादा बढ़ाती है। तो आप भी इसे बना सकते हैं इसे देखकर। अगर मेरा ये पेंटिंग और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना।